संयुक्त किसान मोर्चा का भारत बंद। केंद्र सरकार के द्वारा लाए गए तीनों कृषि कानूनों का विरोध देश के किसान लंबे समय से करते आ रहे हैं। इसी को लेकर आज संयुक्त किसान मजदूर एकता के तत्वाधान में किसान कानूनों के विरोध में भारत बंद का आह्वान किया गया। इसका मिला जुला शिवपुरी में स्वरूप देखने को मिला, जहां पर सुबह से ही किसान समूह एकत्रित होने लगे। किसानों ने शहर से रैली निकालकर व्यवसायियों से निवेदन पूर्वक समर्थन में अपने प्रतिष्ठान बंद रखने का आह्वान किया। इस दौरान किसानों और पुलिस में तकरार भी देखने को मिली। ये हमारा आंदोलन तो आज से 10 महीने पहले से, ये जो तीन काले कृषि कानून हैं उनको रद्द करवाने के लिए 10 महीने से जो संयुक्त किसान मोर्चा पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी, उत्तराखंड, सभी जितने भी अपने देशवासी हैं, 10 महीने से किसान लोग दिल्ली में बैठे हुए हैं। ये जो तीन काले कृषि कानून हैं उनको रद्द करवाने के लिए 800 से ज़्यादा किसान जो वहाँ शहीद हो चुके हैं, सरकार के कान तक बात पहुंचाने के लिए ये जो 27 तारीख का भारत बंद बुलाया गया है, इसको सफल बनाने के लिए शांतिपूर्वक तरीके से जो हम आज शिवपुरी बंद करवा रहे हैं, हम सभी दुकानदार भाइयों से अपील करते हैं कि आप सभी दुकानदार भाई आज हमारा सहयोग करें। अगर ये तीन काले कृषि कानून रद्द नहीं होते हैं तो आप अपने ही खेत में मजदूरी करने के लिए ही बस रह जाओगे। अगर ये रद्द हो जाते हैं आप अपनी ज़मीन पर आप सरदारों की तरह काम करोगे। बस हम यही अपील करते हैं सभी देशवासियों, सभी दुकानदारों से, सभी मजदूरों से, आप एकजुट होकर किसानों का साथ दें और देश का विकास करें। बस हमारा यही निवेदन है कि आप जो 27 तारीख को बंद है इसको सफल बनाएं।